नमस्कार, जय माता दी, जय महादेव। मैं अशोक कुमार, चीफ एडिटर माइनॉरिटी न्यूज ग्रुप पाकिस्तान से। जैसे कि आप लोगों ने इस वक्त देखा है कि कराची के अंदर होली इस वक्त बीत चुकी है, लेकिन होली के ऊपर कहीं जगह पर, कहीं मोहल्लों में, कहीं मंदिरों पे, कहीं पे 6 तारीख को होली जलाई गई और कहीं पे 7 तारीख को, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हुई। लोगों का ये भी आज भी ये सवाल है कि आखिर इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेंगे। 6 तारीख और 7 तारीख को होलियां क्यों जलाई जा रही थी या नहीं जलाई जा रही थी, जो भी इनके सवाल थे, किन से पूछे जाए, धर्मगुरु से पूछा जाए, मंदिरों के जो पंडित महाराज साहब हैं, गुरुजन हैं, उनसे पूछा जाए, तो सबकी नजरें आज उनकी तरफ लगी हुई है। तो अब हम एक चीज दिखाना चाह रहे हैं देखने वालों को कि 6 तारीख को जिन लोगों ने होली जलाई, तो वो 6 तारीख को आखिर ऐसी क्या तिथि बनती थी, क्या धर्म के अनुसार, किन शास्त्रों के हिसाब से क्या तिथियां बनती, और 7 तारीख को क्या धर्म था, क्या शास्त्र के हिसाब से किस तरह था। तो उस बारे में हम कराची के कुछ गुरुजन महाराजों से इस बारे में सवाल करेंगे, जिसके बारे में उनसे पूछा चाहेंगे। जय माता दी। जय माता की। मैं श्री महंत बाबा लालगीर गोस्वामी, महंत ऑफ शीतला माता मंदिर, भीमपुरा कराची, आपके समक्ष जिस तरह मेरे प्रिय जन्य अशोक कुमार साहब ने एक प्रश्न रखा है और बहुत ही दुखती रख पे हाथ रखा है, हमारे जितने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को हम मानने वाले हैं, ये उनकी रगों पे दुखती और आम जनता का सवाल है ये कि 7 तारीख और 6 तारीख का जो मसला है क्या है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता और ना ही आप लोगों को कन्फ्यूज करूंगा कि ज्योतिष का क्या है। बहरहाल मैं ज्योतिष आचार्य तो हूं, लेकिन वो टेक्निकल बातें नहीं करूंगा जो आम लोगों को समझ में ना आए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि होली का दहन जो है, होलिका का जो दहन होता है, उसके लिए प्रदोष काल और पूनम तिथि, पूनम की तिथि होनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब है संध्या का टाइम होना चाहिए, उसे 1.5 घंटे बाद प्रदोष काल व्यापनी पूनम तिथि जो होती है उसमें हम होली का दहन करते हैं। 6 तारीख को जो पूनम जो थी वो शाम को 4 बजकर तकरीबन 4:15 बजे समझ लो वहां से। नमस्कार मेरे तमाम हिंदू बिरादर भाइयों को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। होली के विषय के अंदर बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी अफवाहें फैल रही है और बहुत सारी बातें हो रहे हैं, बरगंडे हो रहे हैं कि भाई होली 6 तारीख को करें, 7 तारीख को करें। सीधा एक एग्जांपल है कि पूनम के दिन होली होती है, 6 तारीख को चौदस है और चौदस वाले दिन सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं। बाकी पूर्णमासी एक पूर्णमासी है और पूर्णमासी चांद की 15 तारीख को पूर्णमासी होती है और पूर्णमासी के दिन 7 तारीख है और 7 तारीख को होलिका दहन होगा। और उसके अलावा अगर 6 तारीख का कोई कह रहे हैं तो उनको ये भी एक बात बताऊं कि एक गिरे लग रहा है, जिस गिरे का नाम है भद्रा, और वो भद्रा लग रहा है 6 तारीख को दोपहर को 14 बजे से लेके रात को 29 बजे तक। तो इस समय के अंदर सुबह के 5 बज जाएंगे। अब दोपहर को 2 बजे तो होली जलाने से रहे, तो जो धर्म के अनुसार बनता है पूर्णमासी का दिन वो 7 तारीख को बनता है, पर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कैलेंडरों में 6 तारीख की तारीख दे दी है पूनम की, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और इस वक्त पूरे इंटरनेशनल तौर के ऊपर 7 तारीख को ही पूर्णमासी का त्यौहार और होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 7 तारीख बारोज मंगलवार को होलिका दहन करें, इसके लिए मैं आपका आभारी होऊंगा। और होलिका एक ऐसा त्यौहार है जिससे मैं हमारे कष्ट बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, अहले मोहल्ला के भी और लोगों के भी। जब हम वहाँ पे पूजा करते हैं तो वहाँ पे हमारे कष्टों का निवारण होता है, और जब हम उसको सही समय पे नहीं करेंगे
और भद्रा के अंदर करेंगे, अशुभ योग के अंदर करेंगे, तो उसके हमको नुकसानात भी हो सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करें और 7 तारीख को, हम तो अपने अहल्ले मोहल्ले के अंदर 7 तारीख को होली का हमने सबको कहा है कि 7 तारीख को पूनम की पूजा होगी, सत्यनारायण की पूजा होगी, और 7 तारीख को ही प्रहलाद की पूजा करेंगे।